पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी केस ख्वाजा बरादरान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 7 रोज़ की तौसी कर दी गई है। अदालत की जानिब से ख्वाजा साद और ख्वाजा सलमान को 2 फरवरी को दोबारा पेश होने का हुक्म जारी किया है। इस बारे में तफसीलात मोहम्मद सकलैन जावेद से जान लेते हैं। बताइए मोहम्मद सकलैन जावेद, क्या तफसीलात हैं? जी नवीद, पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी केस में गिरफ्तार ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को आज एहतसाब अदालत में पेश किया गया। एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। अदालत ने इन मुल्जमान को 2 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। इस मौके पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स और उसके इर्द गिर्द सख्त हफाजती इंतजाम किए गए थे और कंटेनर लगाकर रास्ते भी बंद कर दिए गए थे और गैर मुतलका अशखास का दाखिला अदालत में बंद कर दिया गया था। सिर्फ वकला और मुतलका लोग ही कमरा अदालत में मौजूद थे, तमाम इसके बावजूद जब वहाँ पर बड़ा रश रहा। इस मौके पर नैब प्रोसिक्यूटर बारसली जंजुआ और तफ्तीशी मुकदमा की तरफ से अदालत के रूबरू ये इस्तदा की गई, क्योंकि ख्वाजा साद रफीक को पिछली मरतबा जिस्मानी रिमांड देते ही साथ ही 7 रोज़ का राहदारी रिमांड भी दे दिया गया था और वो असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए पूरे जिस्मानी रिमांड के दौरान इस्लामाबाद में मुकीम रहे, जिसके बायस उनसे किसी भी मामले पर कोई तफ्तीश नहीं हो सकी। लिहाजा उनका मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जिस पर अमजद परवेज़ जो साद रफीक के वकील हैं उन्होंने इसकी मुखालफत करते हुए कहा कि नैब के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है और जिन बुनियादों पर वो इससे पहले जिस्मानी रिमांड हासिल कर चुके हैं अब इन्हीं बुनियादों पर ये मजीद जिस्मानी रिमांड हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि इससे कबल नैब हुकाम की तरफ से 22 दिसंबर, उसके बाद 5 जनवरी और फिर आज भी उन्हीं बुनियादों पर ये जिस्मानी रिमांड का तकाजा कर रहे हैं। हालांकि बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सकलैन।